उसमें ज़्यादा ओरिजिनल मोनोकाइट फाइटर तंग तो उड़ा लिया अब। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, और आज हम टेस्टिंग करेंगे मोनोकाइट फाइटर की, जो हम तोर पतंगा डोर होते तागा लेके आए हैं और उसके करेंगे टेस्टिंग। ओए तागा तो ले गया, अब टेस्टिंग इसके करेंगे अभी। ये ओरिजिनल मोनोकाइट फाइटर का तागा हम लेके आए हैं आज। इसको हम पहले तो इस पर क्या बोलते थे, चरखी जो राजस्थानी मारवाड़ी भाषा में इसे चरखी बोलते, इस पर पहले पेटेंगे, फिर इसको उड़ाएंगे, फिर पतंग से हम टेस्टिंग करेंगे ताका कैसा है, अच्छा है बुरा आपको बताएंगे, रिव्यू करेंगे मोनोकाइट फाइटर का और पतंग उड़ाएंगे। तो चलते हैं अभी, पहले इसको इस पर समेटते हैं फिर पतंग उड़ाने जाएंगे। लेट्स स्टार्ट कर रहे हैं डोर को इससे इस पर ट्रांसफ़र करने का। बैठ ऐसे ऐसे आसानी से जाएगी डोर इसके ऊपर, देखते कितनी देर में होता है ये काम, सब आपको दिखा रहे, फिर हम करेंगे टेस्टिंग, फिर उड़ाएंगे पतंग, देखते हैं कितनी सारी पतंग इसे कटते हैं या नहीं कटते, हमारी डोर कच्ची है या पक्की है। हमने सारी डोर इस पर ले ली है, समेट ली है, जो भी मारवाड़ी हिंदी मिक्स चलती है, यही तो अपनी ब्लॉग की खासियत है। तो अभी थोड़ी देर में, अभी धूप थोड़ी ज़्यादा है, फिर मैं छत पे जाऊँगा, फिर हम पतंग उड़ाऊँगा, फिर बताऊँगा मतलब फेज वेज लगाएँ, फिर देखेंगे मोनोकट फाइट कैसी है डोर, आपको बताऊँगा, रिव्यू भी हो जाएगा जिससे। तो चलो चलते हैं थोड़ी देर बाद ऊपर वाली छत पर, मिलते हैं हम वहाँ पर, पतंग उड़ाएँगे, बहुत सारी मस्ती करेंगे। हमारी छत पे हम आ चुके हैं और पतंग तो उड़ रहे हैं, थोड़े बहुत उड़ रहे हैं, अभी शायद 4:30 बजे हैं, वो आएगा पतंग और डोल मोन लेके आ रहा है नीचे से, नीचे वाली इस पे बिचली में, ए कौन ले गया ना, ए कौन लेना है, मैं दिया हूँ दूसरा। पतंग उड़ रहे हैं, देख रहे हो गाइस, बहुत सारे पतंग उड़ रहे हैं। ये डोर आ चुकी है, ये हमारे पतंग, और इधर बहुत सारे ज़्यादा पतंग उड़ रहे हैं, और अभी हम हमारी डोर की टेस्टिंग करेंगे इसकी मोनोकाइट फाइटर, देखते हैं इन पतंगों को काट पाती है या नहीं। तो लेट्स गो स्टार्टेड, लास्ट में बताएंगे आपको डोर पतंग कैसी है। लेट्स गो, तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना चैलेंज वैलेंज, कैसे करते हैं देखते हैं कौन जीतता है कौन आता है। तो पतंग उठा रहा हूँ, कहीं ऊंची हो जा, प्रॉब्लम और होती यार। अभी उसको और ज़्यादा ऊपर चढ़ा दूँ, ऊपर कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैंने पतंग ऊपर उड़ा लिए, दिख रहा है क्या, अभी पास में पतंग भी है, फिर लड़ाता हूँ देखता हूँ क्या होता है। ओ वैंशुद, पहली बार में गई, किसी काम की नहीं है, तो पहली पतंग कट गई मेरी, पहली पतंग मेरी कट चुकी है गाइस, अभी तक कुछ किया भी नहीं था और पीछे से उसने मेरी पतंग काट दी, बहुत बुरा हुआ, उसने पतंग काट दी मेरी। चलो दूसरी पतंग उड़ाते हैं, दूसरी पतंग खा देखते हैं, हम तीन पतंग उड़ाएंगे, तीन पतंग से क्या होता है क्या नहीं होता देखते हैं। चलो है, और हम दूसरा पतंग तैयार हो चुका है, अब हम दूसरा पतंग उड़ाएंगे। अरे बहन चौथ पतंग याद में नहीं रहता है, गुस्सा आ चुका है, हवा थोड़ी तेज चल रही है। चलो तो मैं पतंग उड़ा लेता हूँ फिर देखते हैं। अबे वो पहला वाला तो ऐसे ही कट गया भाई साहब, पता ही नहीं चला, मैं किधर और देख रहा था, उसने पतंग काट ही दिया। अब फिर से हम करते हैं पतंग, उड़ा लिया है मैंने पतंग, दिख रहा है क्या आप,
कैमरा एंगल चेंज करना पड़ेगा, कैमरा तंग तो उड़ा लिया अब। आगे भी बहुत सारे पतंग हैं और मैं भी उड़ा रहा हूँ। कैमरा एंगल चेंज करके वापस उस साइड से लाके करते हैं, देखते हैं। ऊपर भी दो तीन पतंग आ चुके हैं। ओए रुको गाइस, गाइस एक पतंग काट दिया आपको पीछे से दिखाता हूँ। वो मैं पतंग काट दिया मैंने, आ गया, हो गया, एक पतंग कट गया। अच्छी डोर है, डोर बहुत अच्छी। अभी मैंने तीन पतंग से काट दिया, आपको तो कैसे दिखाता, बट डोर बहुत अच्छी है। तीसरा पतंग उड़ाने जा रहे हैं, बहुत अच्छी डोर है। बहुत ज़्यादा पतंग उड़ रहे हैं आज, पता ही नहीं। तो मिलते हैं अब तीसरे पतंग के साथ, डोर बहुत अच्छी है। देखो तो गाइस बहुत ज़्यादा मज़ा आया आज पतंग उड़ाने में और आपके साथ शेयरिंग करने में कि कैसी है मोनोकट फाइटर डोर। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है मोनोकट फाइटर डोर, और आप भी यूज़ कर सकते हो, बट ध्यान से यूज़ करना, खतरा है। डोर पर से हाथ या नाल किसी कर सकते हो, और हो सके तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा नॉर्मल पतंग उड़ाइए, ज़्यादा पतंग उड़ाइए। मेरी तरह दो या तीन पतंग उड़ाइए, उससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है पतंग उड़ाने में। किसी पंछी वगैरह के या किसी मतलब सड़क चलते हुए आदमी का भी नार वगैरह गला वगैरह कट सकता है, इसलिए प्लीज़ आराम से और ध्यान से पतंग उड़ाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।